What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 22 जुलाई 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:23 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है। मंडे और ट्यूसडे हमने देखा गैप ऑफ ओपनिंग के बाद एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, तो इंडेक्सेस में ट्रेड करना काफी अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। एक 60 पॉइंट के रेंज में ये ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 21 जुलाई आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जैसे ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,054, तो आप देख रहे हैं ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। गैप अप ओपन हुआ, काफी ऊपर ओपन हुआ और एक रेंज में, ये पूरा दिन एक रेंज में ये ट्रेड हुआ। ये 60 पॉइंट के रेंज में ट्रेड हो रहा था, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज लाइव मार्केट में भी फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल था। और जैसे कि हमने यहाँ पर प्री मार्केट ये जो प्लान बनाया था इसके अकॉर्डिंग कल भी यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। तो ये था कल के एनालिसिस का एक रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। उससे पहले जो कोरोना वायरस केसेस है वो लगातार दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, खासकर US और इंडिया में। अगर पूरा कोरोना वायरस के केसेस देखे तो वो अभी वो 1 करोड़ के ऊपर, यानी 1.5 करोड़, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच गए। और अगर आप इंडिया का नंबर देखें, दुनिया में तीसरे नंबर पे भारत का नंबर लग रहा है। तो जैसे वैक्सीन की खबरें पॉजिटिव आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ये केसेस बढ़ रहे, तो इसके वजह से और भी कई जगहों पर लॉकडाउन फिर से करना पड़ रहा है। तो यानी यहाँ पर जो बिजनेसेस है, इकोनॉमी है, वो पहले की तरह अभी तक यहाँ पर तेजी के साथ नहीं दौड़ रही है। और Q1 के रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। कल बजाज फाइनेंस का रिजल्ट था, आज L&T दो बिग कंपनीज का रिजल्ट आने वाला है। तो इन रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी हमें इंडेक्सेस में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो चलते हैं, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल US मार्केट तेजी में खुलने के बाद निगेटिव जोन में यहाँ पर बंद हुए, 86 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स हल्के से बढ़त के साथ बंद हुए थे, हालांकि ज़्यादा तेजी, पॉजिटिव माहौल वहाँ पर भी देखने को नहीं मिला था। आज एशियाई बाजार ओपन हो चुके हैं, तो मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। SGX निफ्टी फ्लैट नोट पे कारोबार कर रहा है, जापानीज इंडेक्स निगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो वहाँ पर अभी एक कल जो एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, तो अभी यहाँ पर फिर से एक बार रिकवरी देखने को मिल रही है। 120 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है डाउ फ्यूचर। तो इस समय ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा मिला जुला कारोबार चल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में जो लास्ट हमने यहाँ पर ये स्विंग हाई लो पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल ड्रॉ किया था, तो एक एक करके पहले तो 61.8% का लेवल यहाँ पर अचीव हुआ, फिर 76.4 के लेवल के पास इसने कई दिन रेजिस्टेंस और उसके बाद सपोर्ट टेस्ट किया, और अभी ये पहुंच गया 100% का ये जो लेवल है 11,184। कल आप देख सकते हैं इसका हाई ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास था, तो ये लेवल्स के अकॉर्डिंग काफ़ी निफ्टी एक्यूरेट यहाँ पर टारगेट्स अपने धीरे धीरे अचीव कर रहा है। तो अगर इस लेवल को देखें 11,184, यहाँ पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो इस लेवल को पास्ट में काफ़ी टाइम निफ्टी इंडेक्स ने रिस्पेक्ट किया है। एक बार एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पर इसने इसको रिस्पेक्ट दिया, फिर उसके बाद दो बार यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया इसने, मतलब इसका सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ। तो अभी ये जो सपोर्ट का काम कर सकता था, हो सकता है रेजिस्टेंस का भी काम करे यहाँ पर, ये लेवल पेनेट्रेट भी हो सकता है, और ऊपर अगर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो निफ्टी इंडेक्स हमें ये जो नेक्स्ट लेवल है, यानी ये देखिए आप इस लेवल के पास ही एग्जैक्ट 123.6% का लेवल आ रहा है। ये जो स्विंग हाई बना है जहाँ पर रेजिस्टेंस लेके एक फॉल आया था पास्ट में, वहाँ पर ही 123.6% का लेवल आ रहा है। तो ये लेवल 11,200 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स कंफर्टेबली, तो हमें ये 11,700 तक निफ्टी इंडेक्स में लेवल्स आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये वीकली चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं हम, ये प्रोबेबिलिटी है ऐसा ही होगा, ये कहा नहीं जा सकता, ये एनालिसिस है।
तो यहाँ पर अभी 11,200 के पास एक रेजिस्टेंस लेवल के पास निफ्टी इंडेक्स पहुंच चुका है। अगर यहाँ से कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि लगातार 3 दिनों से देख रहे हैं गैप अप ओपनिंग हो रही है और उसी लेवल पे सस्टेन हो रहा है, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है और नीचे निफ्टी आता है तो यहाँ पर 100 EMA और 50 EMA ऑलमोस्ट एक ही लेवल के आसपास आ रहे हैं, तो 10,700-10,600 के पास ये सपोर्ट जोन बन रहा है। तो ऊपर रेजिस्टेंस होगा 11,200 और उसके बाद 11,700 और नीचे 10,600-700 ये सपोर्ट जोन होगा। ये वीकली चार्ट के एनालिसिस है। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में RSI देखे तो अभी ये देखिए, ये जो 70 और 100 का लेवल होता है ये ओवरबॉट जोन होता है, यानी ओवरबॉट जोन काफ़ी यहाँ पर ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स पहुँच गया है। अगर पास्ट में देखें तो यहाँ पर जैसे 70 के लेवल के पास आता है तो यहाँ पर एक ऊपर प्राइस एक्शन में एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग एक करेक्शन आते हुए हमें दिखाई देता है। तो 70 का लेवल ओवरबॉट जोन माना जाता है, हो सकता है यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, क्योंकि ये आप अगर लास्ट 4 दिनों का ये कैंडल देखें तो लगातार हायर आए हायर लोज का पैटर्न बन रहा है, जो कि बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगा ये जो स्विंग हाई बना है, हमने देखा 10,820 के पास काफ़ी ये हर्डल फेस कर रहा था, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो 10,850 ये फर्स्ट सपोर्ट होगा एज पर डेली चार्ट का प्राइस एक्शन, और उसके नीचे ये 20 EMA होगा जो कि 10,650 के पास है। तो ये सपोर्ट लेवल्स है, और अगर ऊपर की तरफ ये बढ़ता है तो आप देख सकते हैं इस लेवल के पास यानी 11,127-180 के पास डेली चार्ट में आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट किया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया, और ये जब नीचे आ रहा था तभी यहाँ पर एक कुछ समय इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था 11,200 को। तो 11,200 अभी एक मेजर यहाँ पर रेजिस्टेंस साबित हो सकता है, पेनेट्रेट हो सकता है ये लेवल, इसके ऊपर ये कंफर्टेबली सस्टेन होता है तो ही निफ्टी इंडेक्स यहाँ से और तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो था। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये काफ़ी स्लगिश पैटर्न है लास्ट 2 डेज, ये मंडे का है और ये कल का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है। तो इस रेंज को अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, यानी कल का हाई ब्रेक करता है, तो तुरंत उसके बाद R1 का पिवट पॉइंट का लेवल है। तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, यानी 11,190 को ब्रेक होने दीजिए, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,205। एक छोटा सा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,223, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और नीचे की तरफ कल का लो कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, यानी 11,115 के नीचे अगर निफ्टी इंडेक्स चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,097, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S2 का लेवल जो कि 11,085 के आसपास है। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।